नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज। मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों की तरफ। प्रदेश ही नहीं पूरे देश में रही होली की धूम। हर तरफ व्यक्ति सिर्फ रंगों में सराबोर नजर आया। वहीं गुना जिले में होली बहुत ही धूमधाम से मनाई गई। यहां सबसे अच्छी बात यह रही कि सभी ने सामंजस्यपूर्ण तरीके से सुरक्षित होली मनाई। होली के इस महापर्व पर हर व्यक्ति रंगों में डूबा हुआ नजर आया। वहीं इसी तारतम्य में सुनील मालवीय के द्वारा भी होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। सभी ने आकर एक दूसरे को गुलाल लगाया और गले मिलकर होली की शुभकामनाएं दी। साथ ही डीजे की धुनों पर भी सभी नागरिक थिरकते हुए नजर आए। इस अवसर पर सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया जो उन्होंने कोलारस और मुंगावली में कांग्रेस की जीत का श्रेय ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिया। श्रीमंत महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की जो जीत हुई है उससे गुना शहर में, युवाओं में खास तौर से और किसानों में एक उत्साह है और सर्वहारा वर्ग के लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग मिलकर इस पावन पर्व को, होली के रंगों के त्यौहार को मना रहे हैं। हम महाराज सिंधिया की अग्रसर होने के लिए, उनको मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में वो बने, इसके लिए हम सब माँ भगवती से और टेकरी सरकार से कामना कर रहे हैं कि श्रीमंत महाराज साहब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। और इस मौके पर प्रदेशवासियों को, जिला वासियों को, गुना विधानसभा वासियों को और शहर वासियों को हमारी ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से और कांग्रेस पार्षद दल की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली की इस बेला को आगे बढ़ाते हुए नगर में जगह जगह होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जहां सभी लोगों ने डीजे की धुन पर थिरकते हुए नजर आए, एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। होली के त्यौहार पर सबसे अच्छी बात यह रही कि यहां पर सभी लोगों ने होली को बढ़ चढ़ कर मनाया, चाहे वह किसी भी धर्म विशेष का क्यों ना हो। सभी ने आपसी तालमेल व सामंजस्य का परिचय देते हुए हिंदू मुस्लिम एकता की एक बड़ी मिसाल इस त्यौहार में पेश की। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सुबह से ही कलेक्टर के बंगले पर लोगों का कलेक्टर राजेश जैन से मिलने का सिलसिला दोपहर बाद तक जारी रहा। कलेक्टर राजेश जैन ने भी सबसे घुल मिलकर होली खेली, साथ ही सभी से इस होली के पावन पर्व पर अच्छे से मनाने की अपील भी की, जहां सभी गणमान्य नागरिकों ने गुलाल की होली कलेक्टर राजेश जैन के साथ उनके सानिध्य में खेली। सभी जिले वासियों को होली और रंगपंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। होली त्योहार है उत्साह का, उमंग का, उल्लास का, हर्ष और उत्साह का। सभी जिले वासियों ने आज सूखी होली खेली, गुलाल से होली खेली, मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। होली की रंगीन वेला को आगे बढ़ाते हुए बमोरी विधायक महेंद्र सिंह सिसोदिया ने भी अपने निवास पर होली मिलन का कार्यक्रम आयोजित किया। यहाँ गणमान्य नागरिकों ने गुलाल की होली खेलकर एक दूसरे को शुभकामनाएं दी, साथ ही गानों की धुनों पर थिरकते हुए नजर आए। वहीं महेंद्र सिंह सिसोदिया भी कहां पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी संगीत का पूरा आनंद लिया। वहीं सभी के साथ मस्त मस्त होकर ठुमके लगाए। बताओ।
ऐसे ही मनाया जा रहा है जैसे संपूर्ण सृष्टि की जीत मिल गई हो, क्योंकि कोलारस मुकाबली साधारण चुनाव नहीं था किसी विधायक का, ये मध्य प्रदेश शासन और हमारे कांग्रेस के अर्जुन श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच का चुनाव था, जहां 70,000 वोटों को खरीदने की भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह की सरकार ने 70,000 वोट खरीदने का रखा था, उसको ध्वस्त करके महाराज सिंधिया जी के नेतृत्व में जनता ने विश्वास उनके ऊपर अर्जित किया और कांग्रेस की जीत हुई। और ये रिहर्सल था 2018 के चुनाव का, आम चुनाव में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। होली है। जहां एक ओर हर व्यक्ति होली के त्योहार को मना रहा था, वहीं संविदा कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन भी 12वें दिन जारी रहा। इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से संविदा कर्मियों ने कहा कि जिस तरह से विधायक 1,00,000 रुपए मानदेय होने के बाद भी हर बार अपने मानदेय को बढ़ाने की बात करते हैं, वहीं हम संविदा कर्मियों को केवल 8,000 रुपए में घर कैसे चल सकता है और इन 8,000 रुपए में हम त्योहार कैसे मनाएं, ये तो संभव ही नहीं। वहीं संविदा कर्मचारियों ने जमकर प्रदेश सरकार विरोधी नारे लगाए और मांग की कि यदि उनके नियमितीकरण को सरकार ने ध्यान नहीं दिया या नियमित नहीं किया तो आने वाले चुनाव में इसका खामियाजा प्रदेश और देश की सरकार को भुगतना पड़ेगा। साथ ही संविदा कर्मियों ने आरोप लगाया कि जब से ये लोग धरने पर बैठे हैं तब से कोई ना कोई ऐसा आदेश पारित किया जा रहा है जिससे उनका धरना प्रदर्शन बाधित हो, लेकिन फिर भी सभी संविदा कर्मी एकजुट होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इनकी मांगें पूरी होंगी या इन्हें नौकरी से हटाने का आदेश जारी कर दिया जाएगा। अभी तो ये झांकी है, आगे फ्यूचर बाकी है। करना होगा, करना होगा, हमको करना होगा, करना होगा, करना होगा, हमको करना होगा। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वंदे मातरम, वंदे मातरम, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। अभी तो ये झांकी। आज हमारे हड़ताल का 12वां दिन है और आज हम लोग सब कल से ही काली होली मना रहे हैं। शासन के रोज एक पत्र आते हैं कि हम लोगों को किस तरीके से वो हमारे मकसद से हटा सकें, उसके विरोध में हम लोग आज भी होली मना रहे हैं। हमने अपने घर में होली नहीं मनाई, कम वेतन में किसी का घर नहीं चलता, तो तीज त्यौहार तो बहुत दूर की बात है, लेकिन शासन के विधायकों के 1,00,000 1,50,000 में भी घर नहीं चलते हैं। वो हमेशा मांग रखते हैं कि हमारी सैलरी बढ़ा दी जाए और हमारे 8,000 में घर नहीं चल रहे हैं, इसलिए आज हम इस मंच से फिर मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रहे हैं कि एक बार वो हमारी मांगों की ओर ध्यान दें और संवेदनापूर्ण हम लोगों की जो नियमितीकरण की मांग है उसको पूरा करें। हमारी भूल कमल का फूल, अगर नियमितीकरण नहीं है तो ये हमारा नारा है। होली के दूसरे दिन दूज का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाएगा। वहीं इसी कड़ी में जेल में बंद भाइयों को उनकी बहन तिलक ना करें, यह ऐसा कैसे हो सकता है, इसी को लेकर आज सुबह से ही गुना जेल में महिलाओं का तांता लगा हुआ। यह सभी अपने भाइयों को तिलक करने के लिए उत्सुक थीं। वहीं जेल प्रशासन ने भी उनकी उत्सुकता को भांपते हुए सभी महिलाओं को उनके भाइयों से मिलवाया, दूज का तिलक करने की इजाजत भी दी। महिलाओं की लंबी कतारें सुबह से ही देखने को मिल रही थी। वहीं कोई भी महिला अपने भाई से मिलने से वंचित न रह जाए, इसका जेल प्रशासन ने पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सभी बहनों को अपने भाइयों से मिलने दिया।
ध्वज है और गाते हैं जेल में प्रवृत्त बंदियों से मिलने आए बहनों को गाते मुलाकात कराई जा रही है और जो कि पूर्ण सुरक्षा में और पूर्ण व्यवस्था में करवाई जा रही है जिससे कि महिलाओं को और उन लोगों को जो मिलने आ रहे हैं उन लोग किसी परेशानी नहीं पुरुषों की मुलाकात नहीं कराई जा रही है। सर इसमें कोई भी सामान लेके आ रहे हैं तो अंदर डायरेक्ट आ सकते हैं? नहीं नहीं कोई सामान लेके डायरेक्ट हम खुले आ रहे हैं। अपने स्वास्थ्य के लिए आपने लोगों को कई तरह के उपाय अपनाते देखा होगा, लेकिन अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए एक 65 वर्षीय बुजुर्ग रामजी लाल कुशवाहा लगभग 25 किलोमीटर से दंडवत यात्रा टेकरी तक कर रहे हैं। आपको बता दें कि रामजी लाल कुशवाहा अपने गांव सेमरा जो कि अशोकनगर जिले में स्थित है से 7 दिन पूर्व इस दंडवत यात्रा पर निकले हैं। इस यात्रा की खास बात यह है कि इस यात्रा के पीछे उनकी कोई मन्नत नहीं बल्कि उनका मानना है कि दंडवत चलने से शरीर स्वस्थ रहता है तथा मांसपेशियां भी ठीक से काम करती हैं एवं हार्ट अटैक की कोई संभावना नहीं रहती। आमतौर पर देखा जाता है कि इस उम्र में बुजुर्ग स्वस्थ रहने के लिए दवाओं का सेवन करते हैं, वहीं रामजी लाल कुशवाहा ने स्वस्थ रहने का यह तरीका अपनाया है। वाकई काबिले तारीफ है इस बुजुर्ग की हिम्मत। अच्छा, तो वहीं से आप ये दंडवत वहीं से चलते आ रहे हैं? और वहीं से आ रहे हैं। कितने दिन हो गए आपको? 7 दिन हो गए। 7 दिन हो गए। और भोजन पानी की व्यवस्था परिवार से होती है? घर से आता है भोजन पानी। आप कहीं रात में विश्राम करते हैं? रात में थक जाते हैं वहीं कर लेते हैं विश्राम। आपकी कोई मन्नत थी या आप ऐसे स्वेच्छा से चल रहे हैं? चल रहे हैं, खुशी में टाइम निकाला है। खुशी में 12 महीना काम करते हैं। हाँ, तो घर का काम 12 महीने करते हैं तो 2-4-8 दिन ऐसे ही निकालने। होली के फिर मजे अपने होली में होली डे पर खूब चलते रहो। अच्छा, हाथ पैर भी सही हो जाए, नशा भी शक्कर हो जाए और यानी हार्ट अटैक को मतलब ही नहीं आए। नशे खून का शक्कर हो जाती है, नदी में स्वाद बढ़ जाता है तो शक्कर हो जाता है खून की नदी सब। कोई बीमारी भी नहीं आ पा हो सकती। आम नागरिकों की हिफाजत के लिए हमेशा मुस्तैद रहने वाली पुलिस ने आज होली के दूसरे दिन मनाई होली। अपने कड़क स्वभाव के लिए मशहूर सभी पुलिसकर्मियों के दिल में भी एक आम इंसान होता है। वह इंसान जब मस्ती में सराबोर होता है तो आसपास ये नहीं देखता कि उसके अधिकारी हैं या कोई और। ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला पुलिस द्वारा मनाई जा रही होली में। इस आयोजन में सभी पुलिसकर्मी डीजे की धुन पर थिरकते हुए रंग में सराबोर नजर आए। पुलिसकर्मियों को देखकर यह कहना मुश्किल हो पा रहा था कि यह वाकई में पुलिसकर्मी हैं। ऐसा लग रहा था कि मानो उनका बचपन बाहर निकलकर आ गया है और होली खेल रहा है। Thank you.
कल जहां पूरा गुना जिला होली के रंगों में डूबा हुआ था, वहीं हमारे पुलिस के जवान हम सबके लोगों की सुरक्षा में तैनात थे। इसी कारण आज पूरे पुलिस विभाग में होली के दूसरे दिन भाई दूज पर होली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सभी जवानों ने एक दूसरे को रंग लगाकर व डीजे की धुनों पर नाचते हुए होली मनाई। वहीं सिटी कोतवाली में होली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। थाना प्रभारी विवेक अस्थाना के साथ पूरे थाने के स्टाफ ने होली का पर्व मनाया व डीजे की धुनों पर सभी जवान और थाना प्रभारी नाचते हुए देखे गए। यह देखा जाता है कि सभी जवान ज्यादातर अपने परिवारों से दूर ड्यूटी पर तैनात रहते हैं, इसी कारण ज्यादातर त्यौहार यह नहीं मना पाते क्योंकि उनके ऊपर हमारे सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। इसलिए आज सभी जवानों ने एक साथ मिलकर होली का पर्व मनाया। हमेशा की तरह जैसा आप लोग सबको भी देता है कि हम लोग जिस दिन से होलिका दहन रहता है उसके 12 घंटे पहले से ड्यूटी लग जाती है हम लोगों की, और जब तक होली खेलने जाए पड़वा के दिन रात्रि तक हम लोग बराबर ड्यूटी में रहते हैं। लगभग 48 घंटे फोर्स बगैर किसी रेस्ट के ड्यूटी करता रहता है और हम लोग अपने परिवार से भी दूर रहते हैं इस समय। आज होली पड़वा के दूसरे दिन दौज पर जब परंपरागत रूप से पुलिस की होली मनाई जाती है, तो आज हम लोगों को एसपी साहब के निर्देश पर सभी लोगों ने पहले थाने पर होली मनाई है और पुलिस लाइन में भी हम लोगों ने होली मनाई है, जिसमें शहर के थानों के अलावा आसपास के थानों से अधिकारी कर्मचारी हमारे वरिष्ठ उपस्थित हुए। सब लोगों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगा करके और खुशियाँ दर्शित करी है। मेरी एवं पुलिस परिवार की ओर से, मेरी तरफ से पुलिस परिवार की ओर तरफ से आप सभी शहरवासियों को और प्रदेश देशवासियों को होली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। डीजे आना न्यूज़ में आज बस इतना ही। कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।